हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेंद्र गुगल और आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी, देखेंगे कहां पे एंटी कर सकता है और कौन सा डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था शायद कल नहीं, आई थिंक 5-6 दिन पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ किया था यहाँ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं बैंक निफ्टी मैंने सपोर्टिंग एरिया कनेक्ट करके एक हॉराइजेंटल लाइन ड्रॉ किया था जहाँ पे ये स्ट्रांग सपोर्ट बना था। तो जब मार्केट ऊपर गया तो फिर से आके एक सपोर्टिंग लाइन पे आया, फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, राइट, ऑलमोस्ट डब्ल्यू सेप, राइट। सो मुझे लगता है अगर ये अभी यहाँ से एक कंफर्मेशन और जो परसेंटेज आर ये 50 लेवल क्रॉस कर रहा है, सॉरी -50 लेवल क्रॉस कर रहा है, अगर ये प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया और क्लोज हो गया तो मुझे लगता है ये नेक्स्ट टारगेट हमें रहेगा ये 27,500 का आसपास, राइट, यहाँ पे 27,500 का आसपास मार्केट नेक्स्ट हमारा टारगेट मिला। तो आपको अभी एंट्री कहाँ करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एंट्री करने के लिए हमें जाना पड़ेगा छोटा टाइम फ्रेम, जिसे आप देख सकते हैं छोटा टाइम फ्रेम। पहले हम 1 आवर को देख ले, तो 1 आवर अभी देख सकते हैं आप 200 और 150 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है तो वो ब्रेकआउट किया हुआ है और परसेंटेज आर भी -20 लेवल का ऊपर चला गया, तो ये कंफर्म होता है कि मार्केट ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, राइट। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर बाय में रहेंगे, क्योंकि हमें अगर रिट्रेसमेंट मिला तो बाय में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम और एक कंफर्मेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हायर हाई बना के जा रहा है, राइट। तो हायर हाई आप देख सकते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट मुझे लगता है ये नेक्स्ट टारगेट रहेंगे। तो इस ये टारगेट पहुँचने से पहले अगर आप अपनी एक यहाँ पे पैरेलल लाइन डाल सॉरी डायगोनल एक लाइन डालेंगे तो मुझे लगता है मार्केट यहाँ से जाके फर्स्ट जो अपर बैंड है वहाँ पे टच करेंगे, तो वहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेस करके फिर से ऊपर जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आवरली, और अभी हम देखेंगे 15 मिनट में, आप देख सकते हैं 15 मिनट, तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं मार्केट अभी एक हायर हाई बना के ऊपर जाने का ले रहा है, जैसे यहाँ से लोअर पॉइंट बनाया था तो यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट किया, फ्यूचर रिट्रेस किया और ऊपर जाना जा रहा है। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत नीचे ऊपर मतलब पैटर्न में जा सकता है। तो आपको एंट्री कहाँ करना है उसको हम देखेंगे अभी। तो एंट्री करने के लिए हम पहले देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम पे, जैसे 15 मिनट में ही, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मार्केट एक लॉन्ग कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ, राइट। तो लॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ, फिर से ये मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है, ये जो मूविंग एवरेज 20 है और सपोर्ट बन के यहाँ से 20 से सपोर्ट बन के फिर से ऊपर जाने का चांसेस है। अगर हमें ये मार्केट रिट्रेसमेंट में मिल गया तो यहाँ से हम बाय ले लेंगे, तो इसका नीचे हम एसएल लगाएंगे, और नहीं तो ये सपोर्टिंग जो लाइन था इसका नीचे, और टारगेट 27,500 का आसपास रहेगा, क्योंकि इसका रेशियो ऑलमोस्ट मुझे लगता है यहाँ से हम देखें यहाँ से अगर एंटी किया 1:2 रह सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।